जय गुरु। चलिए परम ब्रह्म शिष्य ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के वाणी के ऊपर आलोचना करते हैं। 23 सितंबर 1957 सवेरे 9 बजे शिष्य ठाकुर खड़ घर में समासीन है, केष्टोदा, चुनिदा, सुशीलदा, पंडितदा आदि है। बातचीत चल रही है। केष्टोदा पूछ रहे हैं, यह जो स्वतः अनुज्ञामय है, मैं अमानी, फिर प्रत्येक वर्ण का ही एक निजस्व मान है, इन दोनों में सामंजस्य कहाँ है? श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो भी जन्म लेता है उसका एक मान है, आत्ममर्यादा बोध है। वो मर्यादा जब आहत या निहत होता है तभी हम लोग प्रवृत्तिमुखी हो उठते हैं। मनुष्य का एग्जिस्टेंस या सत्ता का यदि कोई बोध रहता है, वो इस काल में ही हो और पर काल में ही हो, तब तो उसका मान ही है ही। अमानी माने मैं समझता हूँ मान का अहंकार नहीं होना, किंतु मैं कायस्थ का लड़का हूँ या मैं ब्राह्मण का लड़का हूँ, यह बोध तो रहेगा ही। कृष्णदा पूछ रहे, यदि किसी में मान रहे मैं वशिष्ठ की संतान हूँ। शिष्य ठाकुर बोल रहे, किंतु मैं वशिष्ठ की संतान हूँ इसलिए लोग आकर मेरे पाँव पर माथा रगड़े, यह भावना ठीक नहीं है। कृष्णदा पूछ रहे, किंतु वशिष्ठ का रक्त मेरे शरीर में है, इसका एक मान तो है ही। शिष्य ठाकुर बोल रहे, वो मान तो रहेगा ही। कृष्णदा बोल रहे, अमानी माने फिर कोई हीन नहीं सोचे। शिष्य ठाकुर बोल रहे, वो सोच सकता है, सोचने पर ठगाएगा कौन? जय गुरु।